पेटीएम के कस्टमर केयर में कॉल कैसे करना होता है, यानी पेटीएम जो ऐप है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है पेटीएम से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, केवाईसी प्रॉब्लम हो रही है, एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा, कोई भी प्रॉब्लम हो, सो कैसे आप पेटीएम के कस्टमर केयर में कॉल करेंगे। भाई आजकल क्या है ना कि पेटीएम पर अलग अलग फ़ोन नंबर होते हैं कि ये बैंक वाला है, ये वाला इसके लिए, इसके लिए। मैं आपको ऐसा नंबर बताऊँगा जहाँ से आप कॉल कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मैं आपके लिए बहुत शानदार वीडियो पेटीएम के बारे में आगे भी लाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। अब यहाँ पर सिंपल देखो, मैं पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ से कॉल करना थोड़ा डिफिकल्ट है, और वहाँ से कॉल करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं, इसलिए भाई सिंपल मैं यहाँ पर क्रोम पर जाऊँगा इस तरीके से, ठीक है ना। और क्रोम पर आने के बाद आपको यहाँ पर देखो टाइप करना भाई पेटीएम, ठीक है ना, सिर्फ पेटीएम सर्च करना और आपको सर्च कर देना है। पेटीएम लिखने के बाद यहाँ पर देखो लिखा है paytm.com, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, paytm.com, इस पर क्लिक करना इस तरीके से। यहाँ पर क्लिक करने के बाद पेटीएम की वेबसाइट खुल के आ जाएगी सामने, paytm.com, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। अगर इस पर क्लिक करते हो और आपका पेटीएम ऐप बार बार ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो पेटीएम को थोड़ी देर के लिए अनइंस्टॉल कर दो फ़ोन से, ठीक है ना, सिर्फ वेबसाइट पर काम करना है अपन को। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, हमें कॉल करना है पेटीएम के कस्टमर केयर पर, तो आपको भाई क्लिक करना है, यहाँ पर देखो थ्री लाइन बना है, इस पर क्लिक करना इस तरीके से। यहाँ पर देखो लिखा है कंपनीज, कंपनीज पर क्लिक करना तो यहाँ पर और भी ऑप्शन आएंगे। अब इस पर देखो लिखा है कॉन्टैक्ट अस अबाउट CSR ब्लॉक कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना, हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखो लिखा कस्टमर फीडबैक, प्राइवेसी सिक्योरिटी और बिकॉम अ पार्टनर, ठीक है ना, और कंपनी के बारे में लिखा है। नीचे देखो लिखा है पेटीएम केयर और एक मर्चेंट केयर नंबर दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके भी जानकारी कोई भी ले सकते हो पेटीएम के बारे में। नीचे आएगा तो ये नंबर लिखा है, इस पर भी आप कोई भी जानकारी ले सकते हो कॉल करके पेटीएम पर, ठीक। सो भाई ये है दोस्तों फ़ोन नंबर, मैंने आपको बता दिया, जो सपोर्ट क्यूरियस जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप इस प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं यहाँ पर कॉल करके। ये एकदम एक ही नंबर है, इस पर कॉल करोगे तो पेटीएम के कस्टमर केयर में जाके ही लगेगा। अगर आपको कॉल नहीं करते आता तो आप ईमेल भी कर सकते हो, यहाँ पर नीचे आके आपको मेल आईडी मिल जाएगी। भाई मैं आपको एक बात यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि आपको ऊपर देखना है paytm.com/contactus, ये एक ओरिजिनल वेबसाइट है। गूगल पर सर्च करते हो आपको फ्रॉड फर्जी पेटीएम के नंबर भी मिल सकते हैं फ्रॉड होने के लिए, इसलिए आपको जैसे मैंने बताया कि paytm.com पे पहले आना है, फिर इस तरीके से आप यहाँ के कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना आपने, और फर्जी नंबर पर कॉल मत करना वरना आपके साथ स्कैम हो सकता है। OTP कोई मांगता है बिल्कुल शेयर नहीं करना, ठीक है ना, सिर्फ और कॉल आपको उसी नंबर से करना है आपका जिस नंबर से आपका पेटीएम का अकाउंट बना है तो ही कॉल कनेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। जो बोलेगा एक दवा हिंदी के लिए एक दवा देना, कॉल आपका लग जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं आपके लिए और भी बेहतर वीडियो, शानदार वीडियो आगे भी लाऊंगा इसी चैनल पर। मिलते हैं भाई नेक्स्ट।